बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 50,000 का फाइन है, 6 माह कैद है, कैद नहीं साथ में बताई गई है। ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है जी। मैं आपने शायद कहीं किसी और प्लेटफार्म के ऊपर, टिकटॉक या यूट्यूब के ऊपर, कहीं और किसी बंदे और की वीडियो इसके मतलब देख भी ली हो। मैं कुछ वजाहत के साथ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा जी। कुछ मिस्टेक अगर हुई होंगी किसी बंदे से, या कुछ और कोई भी किसी किस्म का आपके जहन में सवाल होगा, तो यकीनन बात है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले है जी, 50,000 का फ़ाइन, 6 माह की कैद, मैं साथ में क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं, ये इसी के मतलब आपको बता दूँ। मैं 6 माह की मैं जो सज़ा है वो इसलिए ऐड कर रहा हूँ मैं कि जब आज से तकरीबन दूसरे माह की, पता नहीं कौन सी दूसरे माह की मेरा कुछ डेट को, जब जद्दा में आपको पता है जी चेकिंग के मामला सख्त चले और मैंने आपके साथ बहुत सी वीडियो लाइव शेयर की, तो उस टाइम मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था, उन वीडियोस में, कि जो आम्बल मंजिली और साय खास वाले अफराद हैं उनकी जो सिमें हैं उनके नाम के ऊपर, उन सिम में मैसेज आ रहे हैं 50,000 का फ़ाइन, 6 माह की कैद। ठीक है जी, अगर आप कफील के बाहर कहीं काम करते हुए पकड़े गए, मैं इसलिए 6 माह की जो सज़ा है वो ऐड कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये तुम्हें तशीरा खरूज नहाई, यानी कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए, चाहे खरूज नहाई की सूरत में, चाहे आप इकामा रीन्यू कर रखे हैं, क्या आप भी वो बंदे भी इसी उम्रे में आएंगे, या उमरा वाले उमरा जाकर किया और बाद में काम करते रहे अपनी मर्ज़ी से। सबसे पहले इकामा एक्सपायर वाले कैसे ज़ुमरे में आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे जी। मैं क्लियर कर दूं, इकामा एक्सपायर वाला बंदे इस ज़ुमरे में कभी भी नहीं आएंगे, उनके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं है। हाँ, जब पकड़े जाएंगे 500 रियाल का फ़ाइन करके छोड़ दीजिएगा। सेकंड टाइम दो इकामा एक्सपायर होंगे तो 1,000 रियाल का फ़ाइन करके छोड़ दीजिएगा और छोड़ दिया जाएगा, डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, 3 इकामा एक्सपायर होंगे तो फिर उनकी मर्ज़ी चलेगी। साय खास आमल मंजिल यानी छोटा महीना वाले अगर पकड़े जाते हैं, तो फिर वो भी इकामा एक्सपायर हों तो फिर शर्तों की मर्ज़ी होती है, उनको डिपोर्ट करें करें, वरना उनको भी छोड़ देते हैं। यार, मेरे साथ एक ऐसा बंदा भी पकड़ा गया मेरे साथ खुद से, जिसके पास सिर्फ पासपोर्ट था, 90 दिन की उसकी जो वीज़ा वैलिडिटी थी वो भी खत्म हो चुकी थी, उसको भी छोड़ दिया गया। ठीक है जी, तो जो इकामा एक्सपायर वाले हैं जी, वो इस जुमरे में नहीं है, कि ये मैं पहले क्लियर कर दूं। अभी जो बंदों का खरूज लग जाता है, इसके मतलब थोड़ी रोशनी डाल देते हैं। खरूज का टाइम है जी 60 दिन, वो गुजर चुका है, अभी वो इस जुमरे में आएंगे। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो शेयर करने वाला हूँ, देखते रहे आप, देखते जाइएगा। 60 दिन का जो टाइम मिला उसमें अगर आपने सफ़र नहीं किया या सफ़र किया तो क्या बना, एक बंदे ने लाइव मुझे बताया यार कि मेरे साथ भाई क्या बन गया है, काफ़ी अच्छी मुझे इन्फॉर्मेशन लगी और मैंने बोला कि वीडियो बना दूंगा उसके मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या कल वो शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा जी, आपका टाइम है 60 दिन का, आप 60 दिन में सफ़र करते हैं तो ठीक है, नहीं सफ़र करते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आपकी अगर सलाह है कि मैं सफ़र नहीं करना चाहता, तो 60 दिन ख़त्म होने से पहले 1,000 रियाल लगा लें और अपना खरूज कैंसिल करवा दें, चाहे आपका इकामा है या नहीं है। ठीक है जी, खरूज कैंसिल करवा लें 1,000 देकर, उस सूरत में आप इस ज़ुमरे में नहीं आएंगे। हाँ, इसके ऊपर नरमी हो सकती है कि वो किसी को पकड़े, ऐसे उसका खरूज था और खरूज का टाइम गुजर चुका है और वो ऐसे घूमे जा रहा है, नरमी हो सकती है, लेकिन फ़ाइन उसे भी हो सकता है। और दूसरी बात जी, जो उमरा पर आए और भाग काम वगैरह, बेसिकली कहने का मकसद ये है, सिर्फ उनका यही है, जो बंदा वीज़ा पर आया भाग गया, जो उमरा के ऊपर आया भाग गया, वो जब पकड़े गए उनके ऊपर 50,000 का फ़ाइन कन्फर्म है। लेकिन मैं एक ऐसे बुज़ुर्ग पठान को भी जानता हूँ जो कि उमरा के ऊपर आया हुआ था और भागा हुआ था, पकड़ा गया, कुछ दिन जेल में रखा, बाद में डिपोर्ट कर दिया उन लोगों ने। भाई, उनकी रहमदिली होती है, छोड़ते छोड़ते, वरना ये फ़ाइन उनके लिए है बेसिकली। अभी फैमिलीज़ वगैरह हैं विज़िट वीज़ा वाले, आपके इकामे वगैरह एक्सपायर हो चुके हैं, तो आप इस ज़ुमरे में नहीं आएंगे, मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, आप उस वक्त इस ज़ुमरे में आएंगे जब आपने खरूज लगवाया और खरूज का टाइम भी गुजर गया और आपने आप जा नहीं रहे हैं, फैमिलीज़ के इकामे एक्सपायर है ना, तो आप अपने इकामे रीन्यू करें। जब आपको पकड़ेंगे वो बाद में फ़ाइन वगैरह करके छोड़ देंगे, आप अपने इकामे रीन्यू करें, ना कि आप इस ज़ुमरे में आते हैं। खाम खा हर बंदे को इस ज़ुमरे में डालना ये गलत बात है, बेसिकली कहने का मकसद ये था जी, ये उनके लिए है जो उमरा के ऊपर आए और बाद में भाग गए और काम वगैरह करते रहे, यानी कि वीज़ा नहीं लिया, तो वो पकड़े गए तो वो इस ज़ुमरे में आएंगे।